हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आपका दोस्त गुलजार आज आपको बताने जा रहा हूँ दिल्ली में लग रहा है कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो 2023। तो इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, उन सब के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूँ डिटेल में। दोस्तों, इंडिया के अंदर नवरात्रि और रमज़ान शुरू हो चुके हैं दोस्तों, तो आप सबको उस सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बताते हैं आपको इस सब के बारे में डिटेल से। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस बार 27, 28, 29 तीन दिन का ये एक्सपो लगने जा रहा है, जिसमें अलग अलग एक्सपो को शामिल किया गया है अलग अलग हॉल के अंदर। जैसे कि 8th स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो लग रहा है, 2nd है इंटरनेट एंड थिंग्स इंडिया एक्सपो, 3rd एम्बेडेड टेक इंडिया एक्सपो, 4th मोबाइल इंडिया एक्सपो एंड 5th फिनटेक इंडिया एक्सपो और डिजिटल गेमिंग इंडिया एक्सपो। ये सारे एक्सपो इसमें अलग अलग हॉलों में शामिल किए गए हैं, जिसमें 800 प्लस कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। दोस्तों, कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट टेक एंड इंफ्रा एक्सपो, ये इज द 13th एडिशन ऑफ CI 2023। तो ये प्रगति मैदान के अंदर लगने वाला है, जिसमें 40 देशों से 1000 प्रतिभागी इसमें शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, 200 स्टार्टअप पूरे भारत से हैं, साथ में करीब 50,000 विजिटर्स के आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी सपोर्ट भी शामिल है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लिस्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी मंत्रालय इसमें शामिल हैं। साथ ही जिन टॉपिक्स और जिन प्रोडक्ट्स को इसमें शामिल किया गया है, जिनके बारे में काफ़ी जानकारी आपको मिलने वाली है वहाँ पहुँचेंगे तो, जिसमें टेलीकॉम एंड कनेक्टिविटी है, 5G, OTT, डिजिटल गेमिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्मार्ट मोबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी, फिनटेक इंडिया समिट। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर दो डिस्कशन, साथ ही कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम भी शामिल रहेंगे दोस्तों, जिसका टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा। इसके लिए अलग अलग कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं, जहाँ पे डिस्कशन रहेगा, जिसमें सीनियर स्पीकर्स वगैरह सारे इसमें शामिल रहेंगे दोस्तों। दोस्तों, प्रगति मैदान पहुँचने के लिए आपका सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। यहाँ से आप एग्जिट करेंगे तो प्रगति मैदान के लिए गेट नंबर 10 से आपको एंट्री करनी होगी। वहाँ से आपको फ्री शटल सर्विस फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी फ्रेंड्स। और अगर सेकेंड एंट्री इसकी गेट नंबर 4 से है, वहाँ पे अगर आप अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो वहाँ पे पार्किंग के लिए आपको भैरव मंदिर पार्किंग, वहाँ से आपको पार्किंग से गेट नंबर 4 तक फ्री शटल सर्विस अवेलेबल रहेगी। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए आपको कोई टिकट देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री एंट्री है। केवल आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इनकी साइट्स के ऊपर जाके लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे फैसिलिटी और रजिस्ट्रेशन डेस्क वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो और दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।